हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शकील अहमद। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल लेट्स अंडरस्टैंड फार्मा पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ नाइपर JEE का जो नॉन टेक्निकल सिलेबस है, उसी के बारे में हम बेसिकली यहाँ पे बात करने वाले हैं कि फ्रेंड्स, कौन सा सिलेबस जो कि GPAT से डिफरेंट है नाइपर JEE में, वो हमें देखने को मिलता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि नाइपर JEE समवट डिफरेंट है GPAT से, और वही डिफरेंस हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वो सिलेबस है, कौन सा वो पोर्शन है जो कि GPAT में नहीं आता, जबकि नाइपर में अगर हम देखें तो वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारे उन क्वेश्चन को जो कि एक फार्मा स्टूडेंट्स के दिमाग में आते हैं नाइपर से रिलेटेड, उनको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है वहाँ पर। आप उन दोनों वीडियोज़ को भी जाकर देखें फ्रेंड्स, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेंगी, और फ्रेंड्स, वो इन्फॉर्मेशन जितनी भी हमने डिस्कस वहाँ पे की है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है इन फ्यूचर, आप जब आप नाइपर को सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, एक पर्टिकुलर नाइपर में एडमिशन लेंगे तो उस चीज़ में वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के डिस्कशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे नॉन टेक्निकल सिलेबस यानी कि फार्मेसी से हटके जो सिलेबस है वो कौन सा सिलेबस है जो हमें नाइपर JEE में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मोस्टली जो आपने देखा, जनरल एप्टीट्यूड की बात करें और कुछ जनरल नॉलेज के जो टॉपिक्स हैं उनकी बात करेंगे हम फ्रेंड्स यहाँ पे, कि कौन कौन से जनरल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं जो कि नाइपर JEE में आते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने खुद ने भी दो बार नाइपर JEE दिया है, एक बार PhD के लिए, एक बार मास्टर के लिए। उससे अलावा मेरे कॉन्टैक्ट नाइपर के स्टूडेंट्स से भी हैं, मैं कंटिन्यू इनके कॉन्टैक्ट में रहा हूँ और मैंने बातें भी उनसे की हैं कि कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक बताने की कोशिश करूँगा, और फ्रेंड्स यकीन मानिए कि इन्हीं टॉपिक से आपको 20+ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं फ्रेंड्स नाइपर JEE के अंदर, यानी कि 200 क्वेश्चन में से आपको 20+ क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं, क्योंकि ये फ्रेंड्स ईजी क्वेश्चन भी बहुत होते हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन सही होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब फ्रेंड्स, इन टॉपिक्स के लिए मैंने आपको दो बुक्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चाहें तो उन बुक को परचेज कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये बुक वो बुक हैं जो मैंने उस बेसिस पर सेलेक्ट की हैं कि ये इन फ्यूचर भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अभी फ्रेंड्स, इन सारे टॉपिक हैं, इन फ्यूचर भी अभी आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो जनरल एप्टीट्यूड आप पढ़ेंगे वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो उनको परचेज कर सकते हैं, वरना आप फ्रेंड्स एक दूसरा काम भी कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि इनकी PDF आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के जो टॉपिक हैं हमारे वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। वीडियो छोटी ही रहेगी फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको सिर्फ टॉपिक बताऊँगा, उनके बारे में थोड़ा सा बता दूँगा कि क्या क्या पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, पहला टॉपिक आपको बता दें कि कौन सा आता है नॉन टेक्निकल यानी कि जनरल एप्टीट्यूड से, तो आप देखेंगे कि क्लोज क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि फ्रेंड्स आपको बता दिया जाएगा कि जो मिनट वाली जो सुई है वो कहाँ पर है, और जो सेकंड वाली है यानी कि और जो आर्स वाली है वो कहाँ पर है, उनके बीच एंगल आपसे पूछ लिया जाएगा कि कितना डिग्री का एंगल है, ये कितने एंगल पे ये जो क्लॉक है वो पर्टिकुलर टाइम शो करे, ये ऐसे क्वेश्चन आपको नाइपर JEE में देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आगे हम दूसरे सीक्वेंस और सीरीज वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपके पास कोई किसी भी टाइप के सीक्वेंस और सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो वो नंबर सीक्वेंस नंबर सीरीज हो सकती है फ्रेंड्स, ये आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि स्क्वेयर रूट वाला जो सीरीज होती है उसमें आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हर तरह की सीक्वेंस और सीरीज है जो उससे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप फ्रेंड्स इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इन टॉपिक की प्रैक्टिस कर लें, और फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर भी एक दो वीडियो इनकी देख कर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ही ईजी टॉपिक हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर आपसे ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। अब एक चीज़ तो है फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जैसे नाइपर JEE के अंदर 200 क्वेश्चन ऑलरेडी आते हैं और वहाँ पे आपके पास टाइम 120 है, तो आपको बेसिकली ये चीज़ तो खुद ही सोचने की है कि ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिए ही नहीं जाएंगे कि जो आपके टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करें, यानी कि टाइम ऑलरेडी आपके पास बहुत कम है तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे कि जिनको आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएँ। तो और फ्रेंड्स यकीन मानिए कि इन टॉपिक से इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं कि आप उनको बहुत ही कम समय में आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और वो भी फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर के साथ होंगे, तो इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी मत छोड़ें। और फ्रेंड्स यही टॉपिक वो हैं जो आपकी रैंक वहाँ पर डिसाइड करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी किए फिर भी मेरी रैंक कम रही, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कम क्वेश्चन करते हैं फिर भी रैंक अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स
फार्मेसी के साथ साथ अगर आप इन क्वेश्चन को रखते हैं तो आप कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन आपके क्वेश्चन ज़्यादातर सही रहेंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो फ्रेंड्स गलत होने के इनके चांसेस ही बहुत कम हैं। अब बचे कुछ क्वेश्चन फार्मेसी में आप अगर सही सही क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर आपको एक एडवांटेज हो जाएगा, आपकी रैंक बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम देखें मिसिंग नंबर, तो फ्रेंड्स एक सीरीज़ दे दी जाएगी, एक कंप्लीट सिक्वेंस दे दिया जाएगा आपको, उसके बीच कोई एक नंबर मिस रहेगा तो वो नंबर आपको फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन और देखने को मिलते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो बायोस्टेटिस्टिक, यानी कि बायोस्टेटिस्टिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं वो ऑलरेडी हम इसके ऊपर एक वीडियो डिफरेंट बनाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे को आपके साथ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को आपके साथ डिस्कस करना होगा। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, पी टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट क्या होता है, टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मेरे को आपको साथ वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस करनी होंगी, क्योंकि इनकी डेफिनेशन वहाँ पे पूछ ली जाती हैं कई बार। काई स्क्वेयर टेस्ट क्या होता है, फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक पर्टिकुलर डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करूँगा इन फ्यूचर। अभी आप इतना समझ लीजिए कि इससे भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, और आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है। फ्रेंड्स आप सिर्फ इतना करें कि हमसे कनेक्ट हो जाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप यकीन मानिए कि हम इन सारे टॉपिक को धीरे धीरे आपको कराते हुए लेके चलेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब ये टॉपिक्स को सीख लिया, और आपके लिए ही फ्रेंड्स ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं डेफिनेटली। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको पर्टिकुलरली एक कोड के साथ कोई एसोसिएटेड अल्फाबेटिकली भी हो सकते हैं या न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, आप वहाँ पर देख लें फ्रेंड्स। ये जो बुक मैंने रेफ़र की है या PDF कहीं से गूगल से आप डाउनलोड कर लें या यूट्यूब से वीडियो देख लें कि कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, और आप उनको अच्छे से सॉल्व कर लें। तो फ्रेंड्स आप यकीन मानिए कि इन सारे टॉपिक्स को अगर आप एक एक घंटा भी दे देते हैं तो ये सारे एक ही दिन में आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन। कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, वो भी आप देख लीजिएगा कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है जनरल एप्टीट्यूड के अंदर किस तरह के होते हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं फ्रेंड्स। अब बात करता हूँ कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। फ्रेंड जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक हम नहीं बोल सकते यहाँ पे, क्योंकि वो कुछ भी एक दो क्वेश्चन ऐसे रैंडमली उठा के पूछ लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे जिनको हम एक लिमिट में नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जनरल नॉलेज एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसमें पर्टिकुलरली आपको हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप कर दें तो बेटर यही रहेगा, कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको सॉल्व ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स जनरल नॉलेज के अंदर कुछ भी वो चीज़ें कुछ भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन वहाँ से पूछ लेते हैं, तो इसका हम कोई ऐसा प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकते कि किस टॉपिक से मोस्टली पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स लेकिन बेसिकली हमें कुछ जो चीज़ें वहाँ पे पता है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स जो मैंने देखा है कि जो इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि पर्टिकुलर डे का नाम दे दिया जाएगा, आपको उसकी डेट पूछ ली जाएगी या डेट पूछने के बाद उसका डे पूछ लिया जाएगा, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेनी है फ्रेंड्स एक तो। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश सिनोनिम्स बहुत पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, सिनोनिम्स को आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है पर्टिकुलरली। ये फ्रेंड्स ऐसी चीज़ें हैं जो आप रूटीन में इंग्लिश भी अगर यूज करते हैं तो आपको आती रहेंगी, और चांस ज़्यादा होते हैं कि आप इन क्वेश्चन को सही अटैम्प्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे। नेक्स्ट एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, नोबल लॉरिएट, यानी कि नोबल प्राइज़ जितने भी लॉरिएट हैं फ्रेंड्स आप पिछले 2-3 साल के तो याद करके ही करके जाएँ, क्योंकि हर बार एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको मिलने ही वाला है। अब वो क्वेश्चन फ्रेंड्स या तो केमिस्ट्री से हो सकता है, फिजिक्स से हो सकता है, बायोलॉजी यानी मेडिसिन से हो सकता है, लिटरेचर से हो सकता है। फ्रेंड्स नोबल प्राइज़ जितने भी फील्ड में दिए जाते हैं वो सारे फील्ड के आपको पिछले 3 साल के तो एटलीस्ट याद रखने ही रखने हैं, ये चीज़ आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है, क्योंकि फ्रेंड्स मोस्टली जो नोबल प्राइज़ लॉरेट वहाँ पर पूछे गए हैं वो 1-2 साल पिछले वाले ही पूछे जाते हैं, कभी कभी लेटेस्ट जो होता है जैसे आप अगर 2021 में देंगे तो आपसे 2020 के पूछ लिए जा सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट करंट फार्मास्यूटिकल अफेयर्स, अब इसमें आपको क्या पढ़ना होगा फ्रेंड्स, इसमें आपको कंपनीज कौन सी टॉप पर है, कौन सी सबसे पहले नंबर पे कंपनी है, दूसरा कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो लेटेस्ट अभी अप्रूव हुई हैं, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी फ्रेंड्स, और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि लास्ट 6 मंथ की जो ड्रग अप्रूव हुई हैं किसी भी कैटेगरी में वो सारी की सारी वहाँ पे पढ़ लेनी है, उन्हीं से आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा। अब इसी में फार्मा करंट फार्मा में एक और चीज़ जो मेरे को याद आ रही है फ्रेंड्स वो ये है कि जैसे जो करंट टॉपिक चल रहा होता है किसी भी हेल्थ से रिलेटेड यानी कि मेडिकल में रिलेटेड, जैसे कि अभी प्रेजेंट में कोरोना चल रहा है, कोरोना का बहुत पैंडेमिक आप देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि आपसे कोरोना से रिलेटेड ही वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप उस टॉपिक को भी एक अच्छे से
प्रिपेयर कर लें, हम भी उस पर एक डिफरेंट वीडियो बना देंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा सकते हैं कोरोना से रिलेटेड। और फ्रेंड्स आप यकीन मानिए कि जो भी करंट टॉपिक होता है उस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। मेरे टाइम में फ्रेंड जब मैंने दिया था तो नीफा उस टाइम चल रहा था, तो उस पर मुझे वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला। अभी मैंने पीएचडी का एग्जाम दिया तो फ्रेंड 3 क्वेश्चन मुझे वहाँ पे कोरोना से रिलेटेड देखने को मिले। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रेंड्स ये कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो करंट में चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉन टेक्निकल। अगली वीडियो में हम टेक्निकल पार्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा टेक्निकल पार्ट जो कि हमने जीपेट के लिए सिलेबस में आप देखें कि होता तो है, लेकिन हम उसे मोस्टली स्टूडेंट उसको छोड़ देते हैं। तो हम वही सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि नाइपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो वो क्या क्या होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो आप अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।